आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक और अनेक के कुछ उदाहरण। घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, ताला ताले, संतरा संतरे। देखा हमने एक और अनेक कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आइए अब वचन को देखते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वचन। वचन होता क्या है? अगर हम यहाँ पर उदाहरण को देखें तो यह लिखा है पत्ती और बहुत सारी पत्तियाँ। एक अगर पत्ता है तो उसे हम पत्ती कहते हैं और बहुत सारी अगर है तो उसे हम पत्तियाँ कहेंगे। तो हम अगर इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या होता है वचन? संज्ञा के संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा के बारे में बताए कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें यहाँ पे तो क्या लिखा है? कार कारे, कुर्सी कुर्सियां, जूता जूते। अब अगर हम इसके भेदों को देखते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन मतलब एक के विषय में बताएंगे, एक केला और बहुत सारे केले। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वचन होता क्या है, एक या एक से अधिक। एक है तो एक वचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन।